सो गाइज, आज है 1 जनवरी 2021। तो इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी पर्सन यूट्यूब पर चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं बट उनकी वीडियो वायरल नहीं होती, वीडियो बनाने का मन नहीं करता, उनको कंटेंट नहीं मिलता, वीडियो को एडिट करने का मन नहीं करता और सब कुछ कर भी लेते हैं तो उसके बाद यूट्यूब क्विट कर देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप मोटिवेट होना चाहते हो, यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये वीडियो में एंड तक बने रहो, आप लोग पूरे तरीके से मोटिवेट हो जाओगे। और मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं जिसको जानकर आप खुद मोटिवेट हो जाओगे और अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। जब आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं करते। देखो, अपने फैमिली वालों को सिर्फ आप समझा सकते हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं समझा सकता या फिर आपके फैमिली वालों को मैं आकर नहीं समझा सकता। आपके फैमिली वाले हैं भाई, वो आपकी बात मानेंगे। लिटरली गाइस, मेरे साथ क्या होता था, जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था तो फैमिली वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे बिकॉज मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है। तो अब स्टडी को छोड़कर मैं यूट्यूब में चला गया तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूँ। अब उनको क्या पता कि मैं पैसा कमाने के चक्कर में लग रहा हूँ या फिर फेम कमाने के चक्कर में लग रहा हूँ। तो आप अपने फैमिली वालों को खुद समझा सकते हो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम जो आपके साथ है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पर ग्रो करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अगर आप उन प्रॉब्लम्स का सामना कर लेते हो तो आप यूट्यूब पर सक्सेस हो जाओगे, आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप लोग यूट्यूब पर इजीली ग्रो कर पाओगे। जब आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर दोगे तो आपके फ्रेंड्स आपका मजाक बनाएंगे। यार, आपके साथ ही नहीं सभी के साथ ऐसा होता है। जब आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड करोगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे, आपकी वीडियोस को देखने के बाद आप पर हंसेंगे और आप लोग को लगेगा कि यार ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है और आप लोग क्विट कर दोगे। तो अगर आप लोग उनको देखकर क्विट कर रहे हो तो आप लोग बेवकूफ हो। आप मेरे को एक बात बताओ भाई, वो आपके ही तो फ्रेंड है। अब आप अपने फ्रेंड के साथ जब नॉर्मल मजाक करते हो, ऐसे ही आपस में मजाक कर रहे हो, उनसे कैसे डील करते हो, उनको कैसे हैंडल करते हो। अब आप लोग अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और वो आपके बिजनेस पर हंस रहे हैं, स्टार्टिंग में हंस रहे हैं, बाद में खुद ही आपके पास आएंगे। तो आपको रुकना नहीं है, इग्नोर मारो, इग्नोर मारते रहो और वो आपको कहीं ना कहीं वो खुद आपको इग्नोर मारेंगे। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज पहले आप उनको टाइम दे रहे थे और अब आप अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपको इग्नोर मारेंगे और जिस दिन आप पॉपुलर हो जाओगे तो वो भी आपके पास आ जाएंगे। यूट्यूब पर आप लोग काफी ज्यादा वीडियोस बना देते हो, उसके बाद भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, 10-15 व्यूज आपकी वीडियोज पर आते हैं। आपने यूट्यूब पर 100+ वीडियोज अपलोड कर दिए उसके बाद भी व्यूज नहीं आ रहे तो आप लोग छोड़ दोगे? नो, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 3 बार मैंने भी क्विट कर दिया था बिकॉज मेरी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद जब मेरा चैनल ग्रो हुआ तो मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, जब मैंने रेगुलर रहना शुरू किया, हर रोज एक वीडियो, तो मेरा चैनल ग्रो हुआ। अदरवाइज बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा था बिकॉज मैं कभी कभी वीडियो अपलोड करता था और जब मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाते थे तो भाई मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगता था। फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे, उनको समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो आप लोगों को रुकना नहीं है, आपको ये सोचना है कि इस वीडियो पर मेरे व्यूज नहीं आए तो आगे मैं क्या कॉन्टेंट क्रिएट करूँ जिससे कि मेरी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो, इग्नोर मारो। आपकी वीडियो पर निगेटिव कमेंट्स आएंगे, आप लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो बट आपकी वीडियो पर निगेटिव कमेंट्स आएंगे, उनको इग्नोर मारो। अगर आप उन कमेंट्स को दिल पर लेकर बैठ जाओगे तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कितनी भी मेहनत करके आप लोग वीडियो बना लो, उसके बाद भी निगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप लोगों को इग्नोर मारना है। हो सकता है आपका फ्रेंड ही कर रहा हो। बाय द वे, सभी फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते जो आपको सपोर्ट नहीं करते, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो आपको सपोर्ट करते हैं उन्हीं के साथ रहिए। वीडियोस तो आप लोगों ने काफी ज्यादा बना दिए बट आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा। तो आप लोगों के माइंड में ये चलता है कि यार आखिर पैसा कब मिलेगा। तो जब आपको पैसा नहीं मिलता तो आप क्विट करके भाग जाते हो, ये सोचते हो कि मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो अगर आप कुछ और को छोड़कर यहीं पर और ज्यादा मेहनत करोगे तो
आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जिस टाइम आप छोड़ना शुरू करते हो उस टाइम आप एक पॉइंट सोच लिया करो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, व्हाई आई स्टार्टेड। जब आप यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करते हो तो आप क्या क्या सोच कर स्टार्ट करते हो कि मैं आगे जाकर ये करूंगा, 1 लाख सब्सक्राइबर करूंगा, सिल्वर प्ले बटन आएगा और मेरे घर पर आएगा, यूट्यूब की साइट से आएगा। सोचो आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये सब आप लोग सोचते हो और उसके बाद भी आप क्विट कर देते हो, तो आप लोग किसका लॉस कर रहे हो? अपना लॉस कर रहे हो। तो आपको छोड़ना नहीं है। और जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपके पास गोल्डन प्ले बटन आएगा और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और आपको फेम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, नेवर गिव अप। कुछ टाइम पहले की बात करूं, मेरे पास सिर्फ एक फोन हुआ करता था, Vivo Y55s। तो इस फोन में मेरे को सिर्फ वीडियो शूट करना आता था। एक नॉर्मल सा काम है वीडियो शूट करना, कैमरा ओपन किया, वीडियो मोड पर जाओ और वीडियो स्टार्ट कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करने के बाद उसके सामने बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। आपके फैमिली वाले आपके सामने खड़े हुए हैं और वहां पर खड़े होकर आपको बोलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। तो उस टाइम आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जब आप वीडियो शूट कर रहे हो आपको कैमरे की साइड देखते रहना है। भाई आपको देखकर हंस भी रहे हैं, आपको हंसना नहीं है। स्टार्टिंग में हंसी आएगी लेकिन आपको हंसना नहीं है। आप अपने फ्रेंड के सामने अपना वीडियो शूट कर रहे हो तो भाई करो, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो आपकी मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको हंसने दो। आप अपना काम कर रहे हो, अपने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको यहाँ से पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जाओगे या उनके हंसने पर छोड़ दोगे? या फिर आप किसी ऐसे प्लेस पर जाइए जहाँ पर आपको कोई देख ना सके और आप सुकून के साथ वीडियो शूट कर सको। और उसके बाद एडिटिंग, वीडियो को शूट कर लिया और उसके बाद एडिटिंग करना, मेरा भाई एडिटिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। मेरे को जीरो मतलब कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो कि भाई एडिटिंग कैसे करें। तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वाला वीडियो देखकर एडिटिंग सीख सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है एडिटिंग करना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और जब आप करना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिकली उसको करके देखोगे तो आप लोगों को इजी लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना सिंपल सा प्रोसेस है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप लोग वीडियो अपलोड करना भी इजीली सीख जाओगे। बाय द वे आपको ऑलरेडी आता ही होगा। और उसके बाद कीवर्ड्स लगाना, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप लोग सब कुछ इजीली कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो आपको कुछ भी नहीं आता, तो सब कुछ आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो जैसे मैंने सीखा है। और जो यूट्यूब पर भी नहीं है वो भी आज मेरे को आता है। वो इसलिए आता है बिकॉज मैं थोड़ा सा देखता हूँ और उसके बाद अपना खुद माइंड लगाता हूँ, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही जाता है। और आप लोग क्या सोचते हो कि एक झटके में सभी काम हो जाए? इम्पॉसिबल। और आज है 1 जनवरी 2021, तो आज से अपना एक टारगेट बना लीजिए कि नेक्स्ट ईयर तक मेरे को 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 100K सब्सक्राइबर करने हैं। स्टार्टिंग में आपको 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगे और जब आपके 1000 हो जाएंगे, 10,000, 50,000, 1 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। आप अपने एक टारगेट बनाकर चलो कि एक दिन में एक वीडियो या एक हफ्ते में 2 वीडियो, उसके बाद देखना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जब आप दिल से मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स 110% मिलेगा। तो आज से ठान लीजिए कि आने वाले टाइम में मेरे को इतने सब्सक्राइबर करने ही हैं, मेरे को छोड़ना नहीं है। आप लोग जो सोच कर स्टार्ट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं, अपने टारगेट को अचीव करने हैं, गोल्स बनाकर चलो भाई, जब ही आप आगे बढ़ पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोग पूरे तरीके से मोटिवेट हो गए होंगे। तो एक लाइक के बिना मत जाना। लिटरली गाइज, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर आप मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोगों को साइड में वीडियो दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो पर क्लिक करके आप मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में जान सकते हो, कैसे कब कहां से मैं यहां तक पहुंचा हूं, उससे आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए।